क्लास टेन साइंस चैप्टर टेन है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन में हम स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड कुछ डेफिनेशन सीखेंगे पहला डेफिनेशन है पोल पोल को हम पी लेटर से दिखाते हैं इसका डेफिनेशन है इट इज द मिडिल पॉइंट ऑफ ए स्फेरिकल मिरर स्फेरिकल मिरर का मिडिल पॉइंट को हम पोल बोलते हैं आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि मिडिल पॉइंट ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड इट्स पोल अब स्फेरिकल मिरर का मतलब कनकेव मिरर भी होता है कन्वेक्स मिरर भी होता है तो पहले मैं कनकेव मिरर का फिगर बना के बता रहा हूँ फिर कन्वेक्स का बता दूंगा ये कनकेव मिरर है बाहर में ये जो लाइन से छोटे छोटे इसका मतलब बाहर से पॉलिस है अंदर में रिफ्लेक्टिंग सरफेस है जो चमकता हुआ शीशा होता है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस मतलब बाहर से पॉलिश और अंदर में रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इस मिरर को बोलते हैं हम कनकेव मिरर तो यहां तो सीखना हमें पोल तो ये मिरर हो गया स्फेरिकल मिरर मतलब ये स्फेयर का पार्ट है तो इसका जो मिडिल पॉइंट होगा उसको हम बोलते हैं पोल तो मिडिल पॉइंट पे डॉट लगा देंगे और बगल में लिख देंगे हम पोल पी दूसरा है सेंटर ऑफ कर्वेचर इसको हम सी लेटर से दिखाते हैं तो इसका डेफिनेशन है इट इज द सेंटर ऑफ दैट स्पेयर ऑफ विच मिरर इज ए पार्ट मतलब मिरर जिस एसेयर का पार्ट है उस एसफेयर को सेंटर को ही हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं तो इसका क्या मतलब हुआ देखो ये मिरर है एक्चुअली ये मिरर जो हमने बनाया था उससे पहले एक पूरा एसफेयर था ये पूरा इस्फेयर था उसमें से ये पार्ट कट करके हमने पॉलिश कर दिया था बाहर से तो ये कन मिरर बन गया था तो ये जो इस्फेयर है उसका कोई सेंटर तो होगा तो वहाँ पे डॉट लगाओ ये जो डॉट है ये इस इस्फेयर का सेंटर है तो अब जब ये स्फेयर नहीं है क्योंकि हमने ये तो इस्फेयर को काट करके ये पार्ट निकाल लिया है तो मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहें वो वही है जो इस स्फेयर का है रेडियस ऑफ कर्वेचर का डेफिनेशन है इट इज द रेडियस ऑफ दैट स्फेयर ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट मतलब मिरर जिस स्फेयर का पार्ट है उस स्फेयर का रेडियस को ही हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे पी सी को कनेक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर और पी और सी को कनेक्ट कर दिया ये हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब ये रेडियस है किसका स्फेयर का और हमारे मिरर के लिए ये है रेडियस ऑफ कर्वेचर अगला डेफिनेशन है प्रिंसिपल एक्सिस तो इट इज द लाइन पासिंग थ्रू पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर ये पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने वाला किसी लाइन को हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस वैसे तो ये रेडियस खुद ही पास हो रहा है पी और सी से तो पी और सी पे ही खत्म होने वाला मतलब सी से स्टार्ट होकर पी पे चाहे पी से स्टार्ट होकर सी पे इन्हीं दोनों तो के बीच का रहेगा तो उसको तो हम रेडियस बोलेंगे लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है ये दोनों मतलब लाइन ज्वाइनिंग पी एंड सी दोनों को एक्सटेंड कर दो दोनों तरफ देखो बढ़ाकर खूब बड़ा कर दो तब हो जाएगा ये प्रिंसिपल एक्सिस प्रिंसिपल एक्सिस बिल्कुल ही मिरर के बीचों बीच होके जाता है अगला डेफिनेशन है फोकस ये बहुत इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन फोकस फोकस को हम एफ लेटर से दिखाते हैं देखो इट इज द पॉइंट एट व्हिच रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस मीट द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर तो स्टार्ट करें रेज ऑफ लाइट पैरल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ये प्रिंसिपल एक्सिस है हमने सीखा अभी कि पी और सी को कनेक्ट करने वाले लाइन को हम दोनों तरफ एक्सटेंड कर दे बढ़ा दे उसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस और कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहा है तो ए, एक एक ड्रॉ करते हैं हम ये रेज जा रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में मिरर पे जाने के बाद यहां पे तो रुकेगा नहीं क्योंकि मिररर रिफ्लेक्ट करेगा तो रिफ्लेक्ट होने के बाद किधर जाएगा ये अपने आप एक बड़ा क्वेश्चन है कि ये लाइट अब ऊपर जाएगा या नीचे आएगा या मिरर को पार करेगा तो मिरर को तो पार करेगा नहीं क्योंकि उधर पॉलिस है तो ये नीचे की तरफ आएगा अब देखो पहले मैं दिखा रहा हूँ कि नीचे की तरफ आ रहा है आने वाले लाइट पे हम एरो लगा दें और फिर रिफ्लेक्टेड लाइट ड्रॉ करो तो देखो ये नीचे की तरफ आया और प्रिंसिपल एक्सिस को इस पॉइंट पे कट किया तो प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट को टच करेगा या इंटरसेक्ट करेगा क्रॉस करेगा वही हो जाएगा हमारा फोकस उसको हम डॉट लगा दें और वहाँ पे एफ लिख दें डेफिनेशन को फिर से देखें इट इज द पॉइंट एट हुई रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो लाइट है मीट द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट पे मीट करेगा उसको बोलेंगे हम फोकस यदि लाइट नीचे से आए मतलब पहले वाला लाइट तो ऊपर से गया था अब ये नीचे से आए तो पहले लाइट आया तो उस पर एरो लगाओ अब ये सोचो कि किधर जाएगा तो ये ऊपर की तरफ बेंड होगा तो ये लाइट देखो ये ऊपर की तरफ वो फोकस होके ही गया तो रेज ऑफ लाइट चाहे कि ऊपर से होके रिफ्लेक्ट होके आए तो भी फोकस से ही गुजरेगा या नीचे से आए तो भी वो रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से ही जाएगा अगला डेफिनेशन है फोकल लेंथ ये बहुत छोटा सा डेफिनेशन है इट इज द लेंथ बिटवीन पोल एंड फोकस पोल एंड फोकस के बीच का जो लेंथ है जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं हम फोकल लेंथ उसको स्मॉल एफ से दिखाते हैं देखो कैपिटल एफ है फोकस एक पॉइंट है और फोकल लेंथ जो स्मॉल एफ है वो एक लेंथ है तो फिगर में पी एफ हो जाएगा फोकल लेंथ एफ पी एफ को हम फोकल लेंथ बोलेंगे एफ ध्यान रखना कैपिटल एफ फोकस के लिए और स्मॉल एफ फोकल लेंथ के लिए अब एक क्वेश्चन होता है छोटा सा काम है ये व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन स्मॉल एफ एंड आर मतलब फोकल लेंथ और रेडियस के बीच का क्या रिलेशन है तो इसका रिलेशन होता है फोकल लेंथ एफ़ इज इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब फोकल लेंथ रेडियस का हाफ होता है इसको फार्मूला की तरफ लिखना चाहे तो स्मॉल एफ इज इक्वल टू आर बाई टू इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कैपिटल आर इक्वल टू टू एफ मतलब रेडियस फोकल लेंथ का डबल होता है चाहे फोकल लेंथ रेडियस का हाफ होता है अब हम कुछ डेफिनेशंस कन्वेक्स मिरर का देखते हैं तो वर्ड्स तो वही है पोल सेंटर ऑफ कर्वेचर रेडियस ऑफ कर्वेचर प्रिंसिपल एक्सिस फोकस एंड फोकल लेंथ तो फोकस पे हम रुकते हैं यहाँ पे देखो ये है हमारा कन्वेक्स मिरर कन्वेक्स मिरर में अंदर से पॉलिश होता है ये जो छोटे छोटे लाइंस है वो पॉलिश दिखाने के लिए है कि ये मिरर अंदर से पॉलिश है और बाहर में रिफ्लेक्टिंग सरफेस है रिफ्लेक्टिंग सरफेस का मतलब हो गया इसका चमकने वाला पार्ट जिसको हम शाइनिंग पार्ट कहें अब पहला डेफिनेशन पोल तो जैसा कि पहले कनकेव मिरर में था कि मिडिल पॉइंट ऑफ द मिरर इज कॉल्ड पोल तो यहां पे भी मिडिल पॉइंट को हम मार्क कर दें यहाँ पे पी लिख दे अगला सेंटर ऑफ कर्वेचर तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पहले वाले कनके मिरर में क्या था वो उस स्फेयर का सेंटर है जिसका एक पार्ट है मिरर तो यहाँ पे ये यह जो मिरर हमने कट कर रखा है पहले इसका गोला बना के दिखा तो गोला का मतलब स्फेयर तो देखो ये ऐसे स्फेयर था उसमें से हमने एक पार्ट कर कट करके और ये अंदर से पॉलिश कर दिया था तो इसका इस गोले का जो सेंटर है वहाँ पे मार्क करके कर सी लिख दे और यही सेंटर इस मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर है रेडियस ऑफ कर्वेचर यही होगा पी और सी को ज्वाइन करने वाली लाइन को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे और प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है ये पी और सी को जोड़ने वाली लाइन को हम एक्सटेंड कर देखो बड़ा सा ये बिल्कुल बीचों बीच से जाता है ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस अब फोकस तो कोई भी पैरल रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरल रेज रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस को जहाँ पे मिलता है उसको बोलते हैं हम फोकस तो अब ये देखो ये कन्वेक्स मिरर है यहाँ पे एक बात जानना जरूरी है कि ये रे आया पहले तो इस पर हम एरो लगाए एरो बता रहा है कि इधर से रेज आ रहा है ये पॉलिस वाले तरफ साइड में कभी नहीं जाएगा ये रिफ्लेक्ट होके ऊपर की तरफ जाएगा तो ये रिफ्लेक्ट होके जा रहा है पहले तो यहाँ पर एरो लगा दे अब ये रिफ्लेक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस को तो मिला ही नहीं तो अब क्या करें तब हम डॉट डॉट करके इसको मिलाएंगे और डॉट डॉट का मतलब हो गया ये लाइट अपने आप नहीं मिला है हमने इसको मिलाया है तो चाहे लाइट अपने आप मिले जो कि कनके मिरर के केस में होगा या हम डॉट डॉट करके मिलाएं प्रिंसिपल एक्सिस को तो ये कन्वेक्स मिरर केस में होगा दोनों ही केस में उस पॉइंट को हम बोलेंगे फोकस फोकस का मतलब हो गया प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो लाइट आया रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट को मिला या मिलवाया गया अपियर टू मीट बोलते हैं उसको उसको बोलते हैं हम फोकस इन टर्म्स को पी सी आर एफ इनको एक बार हम कनकेव मिरर से कंपेयर कर ले सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि ये जो सी और एफ है कन्वेक्स मिरर में पॉलिश वाले साइड में है अंदर की तरफ और कन मिरर में ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ है मतलब जिधर पॉलिश नहीं है उधर है कनके मिरर के केस में और जिधर पॉलिश है उधर ही सी और एफ होता है कन वैक्स मिरर के केस में ये ध्यान रखना है आपको